हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को 36 एस प्राकट ब्लाउज डायरेक्ट फैब्रिक में कटिंग करके दिखाऊंगी। अगर फ्रेंड आप अभी तक मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे अलग अलग तरीके से किस तरह से पार्ट को काट करना है। अगर आपके पास फैब्रिक कम होने से आप इस तरह से अलग अलग कर काट कर सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से बैक पार्ट काट करना है। बैक पार्ट काट करने से फ्रंट पार्ट काट करने में आसान होता है। ब्लाउज का लंबाई अब आपका हाइट के अनुसार रख लीजिए, कम ज़्यादा। यहाँ से देखिए हमें 14 इंच पर रखूँगी। शोल्डर लेना है 5.5 इंच, आर्महोल लेना है 5.5 इंच और यहाँ से भी 5.5 इंच बराबर मिलाना है। उसके बाद देखिए हमें चेस्ट लेना है। ये ब्लाउज 36 साइज है, 36 का ज्यादा हिस्सा लेना है 9 इंच। फिर देखिए सिलाई के लिए हमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच ज्यादा रखना है। तो देखिए इसमें 10.5 इंच है, हम यहाँ से 1 इंच कम करना है तो हम 9.5 इंच पर रखूंगी। फिर देखिए इसको मिलाना है, तो देखिए ये 1.5 इंच तक मिलता है। उसके बाद देखिए हमें नेक लेना है 2 इंच और नेक डिप लेना है 6 इंच और यहां से 2.5 इंच। फिर देखिए इसको मिलाना है इस तरीके से। उसके बाद हमें काट करना है। उसके बाद देखिए हमें यहां से फ्रंट पार्ट काट करना है। पहले देखिए हमें बैक पार्ट के हिसाब से हमें निशाना लगाना है इस तरह से। और देखिए ये बैक पार्ट का निशान है, हमें यहां से 2 इंच एक्स्ट्रा ज्यादा रखना है। उसके बाद देखिए यहां से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ से लेना है, फिर हमें 1/2 इंच को मिलाना है इस तरह से। ऐसे फ्रंट नेक लेना है, फ्रंट नेक हम 5.5 इंच पर रखेंगे और फ्रंट नेक को सेप देने के लिए हमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच रखना है, तो टोटल हम 7 इंच पर रखेंगे। उसके बाद देखिए यहां से हमें 3 इंच तक लेना है नेक डीप। अगर आपको ज्यादा डीप चाहिए तो आप यहां से 3.5 इंच 4 इंच रख सकती है। फिर इसको हमें हल्का सा शेप मिलाना है इस तरीके से। इस तरह से यहां से हमें 5.5 इंच तक लेना है, फिर इसको हमें सीधा करना है। उसके बाद देखिए कतूर का मेजरमेंट लेना है। कतूर का मेजरमेंट किस तरह से लेना है, ये 36 साइज से 36 को आप 10 से डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए 36 को 10 से डिवाइड करने से 3.6 मिलता है। देखिए यहां से हमें 3.6 लेना है और फिर से यहां से 3.6, फिर हमें इस तरह 1 इंच रखना है। तो देखिए टोटल हमें 4 इंच से 2 सूट ज्यादा मिला है।
फिर इसको हमें हाफ करना है। इसको हाफ किया है देखिए यहां से, उसके बाद हमें यहां से 1 इंच तक उठाना है और यहां से भी 1 इंच, फिर इसको मिलाना है इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहां से और एक पॉइंट लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है, यहां से यहां तक ये पॉइंट कहां तक आता है तो देखिए ये 2.5 इंच से एक फुट ज्यादा मिलता है। तो देखिए यहां से 6 इंच मिला है, हमें 6 इंच ही रखना है। तो देखिए कतरे के नीचे का पार्ट को हम अलग से काट करना है, इसमें फैब्रिक कम है तो इसलिए हम यहां से काट नहीं कर पाएगा, हम अलग से काट करना है, तब हम इसको काट कर लेना है। तो देखिए काट करने से पहले हम इस पॉइंट को भी मिलाना है इस तरह से। उसके बाद हमें युग पट्टी काट करना है। तो देखिए युग पट्टी को हम बैक पार्ट का कमर का मेजरमेंट के हिसाब से हमें काट करना है। तो देखिए यहाँ से कितने इंच तक रखना है, कमर में जितने इंच है हम उतना इंच रखना है, 10.5 इंच। फिर देखिए इसको सीधा करना है। तो देखिए यहाँ से हमें मिलाकर रखना है, हमें देखिए युग पट्टी से अलग से पट्टी काट नहीं करना है तो इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा काट करना है युग पट्टी को। यहां से हम 5.5 इंच पर रखूंगी और यहां से 4.5 इंच और यहां से 5 इंच। उसके बाद हमें यहाँ से स्लीव काट करना है। तो देखिए स्लीव को किस तरह से काट करना है, इस तरह से। मेरे पास फैब्रिक कम था तो इसलिए हम इसमें जितना इंच भी लंबाई है हमें पूरा ही रखना है। तो देखिए इसमें कितना इंच है, इसमें देखिए 4 इंच है, तो हम 4 इंच ही रखना है। आपके पास ज़्यादा फैब्रिक होने से आप इससे भी ज़्यादा रख सकती है। उसके बाद अभी हम इसको काट करना है। उसके बाद हमें यहाँ से कतरी का और एक पार्ट काट करना है। तो देखिए पहले इसको सीधा कर लेना है, उसके बाद देखिए कतरी में जितने इंच तक लंबाई है आप उतने इंच से लंबाई रखना है। आप कतरी को नाप लीजिए एक बार, उसके बाद देखिए यहाँ से 1/2 इंच डाउन करना है और यहाँ से 1.5 इंच, फिर उसके बाद देखिए यहाँ से 4.5 इंच और इसको सीधा करना है पहले, और यहाँ से देखिए इस तरीके से हाफ करना है। उसके बाद यहाँ से देखिए 4 इंच और यहाँ से 2 इंच, फिर इसको मिलाना है, तब हम इसको काट कर लेना है। उसके बाद हम यहां से नेक पट्टी काट करना है। और यहां से कमर पट्टी काट करना है। फिर यहां से हुक पट्टी काट करना है।
और ये छोटा साइज का हुक पट्टी। उसके बाद देखिए हमें बैक साइड पे टैक्स लगाना है। ये टैक्स हम 3.5 इंच पर लगाऊंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा काट कर निशाना लगा देना है। और देखिए ये बैक पार्ट है। देखिए इसका कटिंग पूरा कंप्लीट है। ये फ्रंट साइड है, ये इस तरह से रहेगा। यहाँ से कतरी का पार्ट, दूसरा साइड में भी देखिए इसी तरह से हमें मिलाकर रखना है इस तरह से। पूरा पार्ट को हमें इस तरीके से बिछाना है। देखिए इस तरह से इस तरीके से हमें पार्ट को बिछाना है। ये हुक पट्टी है। अगर फ्रेम वीडियो को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।